अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का टाइटल तो आपने थंबनेल से पढ़ लिया होगा। जी हाँ, आज की वीडियो हमारी है किचन गैजेट्स के ऊपर, जो कि मैं पर्सनली खुद एक साल से यूज़ कर रही हूँ और जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बहुत ही सुकून में कर दिया। मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, लेकिन मुझे कटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इन गैजेट्स की वजह से मुझे कटिंग करना भी बहुत आसान लगता है। अब पहला गैजेट ये एक पीलर है। अच्छा, ये सिंपल पीलर नहीं है, इसमें 3 ब्लेड्स हैं। पहला ब्लेड तो सिंपल पील करता है, दूसरा ब्लेड जूलियन कटिंग में आपके वेजिटेबल्स को करता है, थर्ड जिस तरह सैंडविच में हम कोकम्बर को नहीं रखते, लंबा लंबा स्लाइस करके काटते हैं बारीक बारीक, उस तरह से करता है। ये देखें, अब गाजर को मैं आपको जूलियन कटिंग में करके दिखा रही हूँ। अच्छा, मुझे चाइनीज़ रेसिपीज़ बहुत पसंद है, लेकिन उसके लिए जूलियन कटिंग आपको चाहिए होती है, जिसमें बहुत टाइम लग जाता है। इस पीलर की वजह से बहुत आसानी हो गई है, इतनी आराम से कर देती है और ये पूरी कर देती है। अगर आपने फिर इसकी कटिंग करनी हो, लंबा लंबा बिल्कुल ना रखना हो, तो बीच में से आप चॉप कर दो। अब खीरे के जिस तरह मैं आपको बता रही थी सैंडविच में, जिस तरह बारीक बारीक लंबा लंबा हम पूरा स्लाइस करके रखते हैं, उस तरह से ये देखें, बिल्कुल आसानी से, कोई मेहनत कोई ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा फंस जाता है उसको, तो खैर आप निकाल लो, कोई मसला नहीं है उसका। जितने आपको ये हेल्प कर रहा है, उसमें थोड़ी सी तो अब आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। सारे स्लाइसेस बारीक बारीक और एक जैसे कट हो जाते हैं इससे। नेक्स्ट गैजेट ये है, ये भी मेरा बहुत फेवरेट है। कोई भी आपने चाइनीज़ के लिए कुछ करना हो, पकोड़े बनाने हो, उसके लिए कुछ चीज़ें करनी हो, चॉप वगैरह, इसमें आसानी से हो जाती हैं। अच्छा, ये इसका ब्लेड है, इसमें 3 इसके ब्लेड्स हैं, ऊपर हैंडल है घुमाने के लिए और ये स्टॉपर है सामने वाला, सब्जियाँ वगैरह बाहर ना निकलें। इसको इस तरह से हम मोटा मोटा हमने डाल देना, कोई बारीक बारीक नहीं हमने डालना, क्योंकि बाद में हो जाएगा आसानी से। अच्छा, इसको फिल एकदम से ज़्यादा नहीं कर देना, वो फिर आपको घुमाने में थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, घुमा तब भी हो जाता है, लेकिन आपको ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके डालो, जितना मैंने अभी डाला है, एक मीडियम साइज़ का प्याज आराम से इसमें चला जाता है। अब ये देखो, अब ये मैंने चॉप किया, मैंने यहाँ पर कोई वीडियो को तेज़ नहीं किया, नॉर्मल स्पीड पर वीडियो है और आराम से। ये पकौड़ों के लिए बिल्कुल बिल्कुल ठीक है साइज़, आप पकौड़ों के लिए यूज़ कर सकते हो इसे। अब मैं आपको मज़ीद चॉप करके दिखाती हूँ कि आप इसको बिल्कुल बारीक भी कर सकते हो। किसी सालन वगैरह में आपने कोई हांडी वगैरह होती है जिसमें बिल्कुल चॉप हुआ हुआ हमें प्याज चाहिए होता है, तो आप उसमें भी डाल सकते हो, मोमोज बनाने हो उसमें डाल सकते हो। और मैंने यहाँ पे स्पीड बिल्कुल भी तेज़ नहीं की हुई वीडियो की, शुरू में की हुई थी लेकिन यहाँ पे कट करते हुए बिल्कुल नहीं की हुई। मैं आलू के साथ भी आपको करके दिखा देती हूँ। आलू हालांकि हार्ड होता है, तो आलू भी आराम से आप कर लेते हो। रमज़ान में मेरी इतनी कोई टेंशन ख़त्म हुई थी इसकी वजह से, आराम से इसमें 1-2 बार घुमाओ और प्याज और आलू दोनों तैयार हो जाते हैं पकौड़ों के लिए, मिक्स पकौड़े जो होते हैं। इसमें आप बंद गोभी भी चॉप कर सकते हो बिल्कुल, अगर सलाद के लिए करनी है तो थोड़ा सा घुमाओ, और अगर आपने बिल्कुल बारीक करनी है मोमोज वगैरह या चाइनीज़ के लिए कुछ करना है तो आप ज़्यादा घुमा दो। नेक्स्ट ये एक चॉपर है, इसमें गार्लिक वगैरह चॉप हो जाता है आसानी से। हमें इंस्टेंट किसी भी रेसिपी के लिए चाहिए होता है तो फिर मुश्किल होती है, इसमें बस छील के आपने रखना है और बस प्रेस करना है। कुछ रेसिपीज़ होती हैं जिनमें हमें अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालना होता, हमें इस तरह से चॉप करके डालना होता है, तो उसमें ये बहुत अच्छे से मतलब हेल्प करता है, आराम से आसानी से हो जाता है। कुछ अगर थोड़ा सा फंस जाए तो आप टूथपिक से इस तरह से निकाल लो, कुछ ही सेकंड्स में हमें इस तरह से चॉप हुआ हुआ गार्लिक मिल जाता है। बहुत ही ईजी टू यूज़ प्रोडक्ट है, आई लव इट। नेक्स्ट फिर अगेन मेरे पास ये ग्रेटर है, इसमें आप गार्लिक भी ग्रेट कर सकते हो। इसमें जूलियन कटिंग होती है, इसकी जूलियन शेप में ग्रेट होता है, आप इस पे चीज़ भी कर सकते हो। इंस्टेंट आपको थोड़ी सी बहुत चीज़ चाहिए तो बड़े वाला ग्रेटर लेने से बेहतर है आप ये हैंड वाला यूज़ कर लो, इजी टू यूज़। गाजर भी आपको थोड़ी सी चाहिए, आप वो भी इसमें कर सकते हो। प्याज आपको चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप इसमें कर सकते हो। ये देखें, जूलियन शेप में है ये, इसमें आप चीज़ भी कर सकते हो। नेक्स्ट ये भी एक ग्रेटर है, इसमें डिफरेंट ब्लेड्स हैं इसके, आप बड़ा छोटा जिस तरह से भी आपने इसको करना है। नेक्स्ट एक ये एक टूल है, इसमें इस तरह से आपने प्याज वगैरह आप कर सकते हो, स्लाइस सेम साइज़ के होंगे, आपको टेंशन नहीं होगी। और टमाटर भी आप इसमें कर सकते हो, उसके भी स्लाइसेस आपने करने हो, सलाद बनानी हो कुछ भी, तो आप इसमें इस तरह से कट कर सकते हो। आपने बॉयल अंडे को करना हो स्लाइस में, आप वो भी इसमें कर सकते हो। ये थे मेरे कुछ फेवरेट किचन गैजेट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब टू माई चैनल। अनटिल नेक्स्ट टाइम, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।